गाइस हमने चार्ज ट्रांसफर के दो मेथड्स को पहले ही पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड को पढ़ा था, देन हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन के मेथड को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड की, तो चलिए शुरू करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन के इस मेथड में अगर हम एक चार्ज बॉडी को, लेट्स से कि हमारे पास चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी को लें, तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, ऑलराइट। और इन दोनों बॉडीज को अगर हम फिजिकली और इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दें, मतलब इन दोनों के बीच में हम एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दें, इन दोनों को हम जोड़ दें किससे, इलेक्ट्रिकल वायर से, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो हमने कनेक्शन किया है, वो कनेक्शन कैसा किया है, वो हमने कनेक्शन किया है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से इस चार्ज बॉडी पे जो भी चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो लेट्स अज्यूम कि इस बॉडी पे कुछ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट थे, ऑलराइट। तो जब हम इस चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, ऑलराइट। ये जो चार्ज बॉडी पे हमारे पास एक्सेस चार्ज प्रेजेंट हैं, ये एक्सेस चार्ज क्या करेंगे, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ फ्लो होने लग जाएंगे। और ये जो चार्जेस का फ्लो है कब तक होगा, ये चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों साइड चार्जेस का अमाउंट बराबर ना हो जाए। तो लेट्स मेक द चार्जेस इक्वल एट बोथ साइड्स, दोनों साइड चार्जेस की संख्या बराबर कर देते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि चार्ज का ट्रांसफर हो गया है यहाँ पे, राइट। और अब हमारे पास दोनों साइड बराबर चार्जेस हो गए, राइट। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मेथड हमें क्या बताता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन के इस मेथड में जब हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक अमाउंट ऑफ चार्ज एट बोथ साइड बिकम इक्वल। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बारे में आप सोचिए, तो आपने कुछ टॉयज देखे होंगे, जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि एक शॉक वाली गन आती थी कि जिसको आप ट्रिगर करते थे, तो जो भी उसका होल्डर होता था, जिस भी पर्सन ने इस गन को होल्ड किया हुआ है, उसको शॉक लगता था। तो ऐसा क्यों होता था कि इसके आपने अगर आपने देखा हो तो इसके साइड में कंडक्टिव प्लेट होती थी, राइट। तो जो भी पर्सन इसको अपने हाथ में होल्ड करता था, ओके, तो सपोज कीजिए कि ये पर्सन है जिसने अपने हाथ में इस गन को होल्ड किया है, तो जैसे ही वो इस ट्रिगर को दबाता था, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज इस कंडक्टिंग प्लेट्स के थ्रू क्या करता था, इस पर्सन को जिसकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है उसकी बॉडी के अंदर फ्लो होता था, और इससे क्या लगने लग जाता था, इसे शॉक लगता था। इसके कई सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन बाहर से ट्रैवल करके आता है, राइट, तो उसकी बॉडी पे एक्सेस चार्जेस आते हैं, और जब वो किसी अनचार्ज पर्सन से हाथ मिलाता है, तो इसकी वजह से भी चार्जेस का ट्रांसफर होता है, जब तक दोनों साइड चार्जेस का अमाउंट बराबर ना हो जाए और जो दूसरा पर्सन होता है उसे शॉक फील होता है, राइट। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के इस मेथड में हमने सीखा कि चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफर होता है, और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक दोनों साइड अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो, बराबर ना हो जाए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।